अभी नया बना मोदी के युग में, मोदी के पहले तो कहाँ थी यहाँ पे रोड, कोई रोड नहीं थी, कोई रोड ठीक है, टूटी फूटी थी सड़कें। हाँ। मोदी जी आने पर बहुत अच्छा हाईवे बन गया हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे। अब तो ये सड़कें बनने से मजा आ गया आपको? बहुत अच्छा मजा आ गया, नहीं तो चलने में कोई दिक्कत होता था। अभी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा रोड बन गया है, बस मोदी जी की मेहरबानी है। मजा आ गया सर, हमारी लाइफ से जिंदगी सुधर गई, जिंदगी सुधर गई। हाँ सर, अभी हम भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बाड़मेर में हैं। कौन सा गांव है ये? ये राम सर। राम सर? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? अब हमारा नाम दीपाराम। दीपाराम? दीपाराम जी, ये क्या कर रहे, गाय चराते हो आप? ये गाय चराते, खेती बाड़ी करते। अच्छा अच्छा, ये तो ये जो सड़के रोड है कब बनाई है, ये वाला रोड कब बना है? ये महीना हो गया। हाँ, महीना हो गया। महीना हो गया, ये बता दी, महीना हो गया। इससे पहले नहीं था? पहले छोटा था। हाँ। तेज रोड था। आपका क्या नाम है? कालू सिंह। कहाँ से आ रहे हैं आप? रामसर से। रामसर से यहीं के रहने वाले हैं। और आप? रामसर। रामसर। राम, क्या नाम है आपका? मल सिंह। मल सिंह, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। और आप? खेती बाड़ी, गाय चराते। आप खेती बाड़ी करते? हम बिंजर है, ग्वारिया। ये रोड कब बना? ये अभी काम चल रहा है, 18 फुट चल रहा है, अब बड़ा रोड बना है, मतलब हाल में एनएच बना। हाँ, तो टूरिस्ट आते जाते हैं अब यहाँ पे? हाँ, आते हैं। और ये जो लाइन है बिजली का, ये कब बनाई है? ये अभी बनाई है। कितने दिन पहले? ये 12 महीना हो गया। 12 महीने पहले। इससे पहले कुछ नहीं था? नहीं। तो ये वोटिंग है यहाँ पे, चुनाव वोटिंग का जहाँ पे वोट होता है, कितना दूर है आपके गाँव से? पास में ही है। पास में, अंदर ही। तो आप लोग वोट करने जाओगे? जाएंगे। अच्छा अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल अच्छा है। अच्छा, रविंद्र किस पार्टी का, किसके लिए? रविंद्र सिंह पार्टी से। किस पार्टी से? निर्दलीय। भाजपा से? निर्दलीय। निर्दलीय, तो ये कह रहे हैं भाजपा? नहीं, भाजपा भी है। वोट भाजपा, वोट वोट भाजपा का है वो, मतलब निर्दलीय है फिर भी भाजपा के साथ जाएगा, ऐसा कह रहे हैं? मतलब निर्दलीय एक हो गई, एक हो गई है। तो यहाँ पर भी मतलब मोदी जी का ही चल रहा है? मोदी नहीं चलेगी अभी, इस बार मोदी नहीं चलेगा, अगले वोटा में, मतलब 24 में। हाँ, एमपी के वोटर, एमपी के वोट। अभी तो ये रात, तो ये तो कह रहे हैं ना सब तो बनाया ही मोदी काल में है ना। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मोदी, ये मोदी जी बनाया है अभी, तो मोदी जी बनाया, मोदी की। तो आप लोग इस रोड से तो फायदा होगा ना, जब ये रोड जाएगा, अब हम जैसे लोग जब टूरिस्ट आएंगे तो हाँ, गाड़ी मां सोरा चले जाएंगे, फायदा है जय। जाने मोदी की लेट चल रही है, अच्छी चल रही है। वोट है बेटा तुम्हारा, क्या उम्र है? मेरे 18 साल। 18 साल वोट है, वोटिंग करोगे इस बार? यस। 18 साल हो गए। क्या नाम है? अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह। ये कौन सा गांव, कौन सा है? गांव है रामसर। रामसर का है ये, मतलब बॉर्डर पे, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे। तो क्या है, वोट नया हो, यूथ हो, पढ़ाई करे? कहाँ तक पढ़ाई करा? पढ़ाई कॉलेज चालू है। कॉलेज चालू है, किस क्लास में, कौन से? 12th में। कॉलेज, कॉलेज। अच्छा, फर्स्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो? ग्रेजुएशन। कौन से सब्जेक्ट से? सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री से कर रहे हो। कॉलेज कितना दूर है घर से? घर से दूर है रामसर तक, रामसर है इधर है, थाने है। कितना कितना किलोमीटर का? 4-5 किलोमीटर बस, मतलब कॉलेज है, स्कूल की सुविधा भी है, लेकिन मतलब यहाँ जो ये सब सड़कें और स्कूल अभी हाल में बनाए या पहले, बहुत पहले से? स्कूल कॉलेज पहले, स्कूल पहले से है। क्या बेटा, क्या है माहौल, आप लोग युवा क्या सोचते हो, किसकी सरकार होगी? सरकार तो रविंद्र सिंह भाटी। अरे रविंद्र सिंह भाटी तो तुम्हारा लोकल होगा, मतलब कुछ बड़े ऊपर में दिल्ली में या फिर ऊपर? तो कांग्रेस, बीजेपी है, कांग्रेस है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। मगर इस सड़कें तो कांग्रेस ने बनाए नहीं आपके लिए? नहीं, ये तो मोदी बनाई है, हमारे अशोक जी ने बहुत काम किए, अशोक जी ने बहुत काम किए। अच्छा अच्छा, अशोक जी ने गरीब लोगों के लिए अच्छा अच्छा बहुत काम किया। हाँ, तो यार लेकिन इसके लिए ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये केंद्र का, केंद्र का है, राज्य का कुछ लेना नहीं, इसका राज्य से कोई लेना, कोई लेना नहीं, नहीं। लेकिन तो भी आप कह रहे हो कि राज्य में कांग्रेस को देंगे और केंद्र जो 24 में मोदी को देंगे। इधर से जीत, इधर इस साइड से करो, तो केंद्र उसमें वोट मोदी को देंगे, मोदी को। तो ये जब ये सब जब से बिजली हुआ है और ये सड़कें बनी है तो फर्क तो पड़ा होगा? हाँ, केंद्र का जो है मीटर, ये मोदी का है, मोदी का। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री था, लेकिन ये पूरा बिजली और ये सब चीजें वहाँ बॉर्डर तक चला गया है। तो जैसे जैसलमेर लोग बहुत जाते हैं, बाड़मेर उतना लोग नहीं आते, जैसलमेर जाते हैं, पर्यटक ज्यादा जाते हैं। हाँ, अब यहाँ भी पर, यहाँ भी बाड़मेर में भी लोग आने लगे हैं, जरूर चालू हो गए बॉर्डर है, मोना बारोईडी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हो वो, पढ़ाई करते हो? पढ़ाई, क्या नाम है? लाली। लाली पढ़ती हो? स्कूल जा रही, स्कूल
देखिए इनकी गाय जो है बहुत दूर चली गई है ना, तो ये घास वास का दिक्कत है राजस्थान में, पानी की दिक्कत नहीं है? पानी का पानी भी नहर आई है अभी तो घर पर नहीं आई है, नलके नहीं लगे, पानी नहर आ गई। आप लोग क्या डिमांड करते हैं सरकार से? पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये बस कहाँ से आ रही है? बॉर्डर से आ रही है। लोग घूमने गए हैं? घूमने गए हैं बॉर्डर? नहीं घूमने नहीं गए, ऐसे पैसेंजर आते जाते, पैसेंजर आते रूट की बस है, रूट गांव में आते जाते सवारी। चलिए हम लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से सर्वे करने के लिए। हाँ क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह जी हाँ सर, मोटरसाइकिल बंद कर लीजिए, पेट्रोल बच जाए तो हम लोग का है ना, देश का पेट्रोल बच जाए थोड़ा बहुत। इधर आ जाता हूँ चाचा। क्या नाम बताया आपने? कमल सिंह। अच्छा कमल जी ये रोड जो है ये क्या एकाएक की सब चीजें नया नया बनाई? अभी नया बना मोदी के युग में, मोदी के पहले तो कहाँ थी यहाँ पे रोड, कोई रोड नहीं थी, कोई रोड नहीं थी, टूटी फूटी थी सड़कें। मोदी जी आने पर बहुत अच्छा हाईवे बन गया हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे। हाँ सर। और ये ट्रेन लग गई लाइट वाली, जो मेरे साथ जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी उन्होंने कहा कि कभी भी ये सी पहले जो है पहले क्या था यहाँ पर इस तरह की बिजली? पहले यहाँ बिजली के लिए छोटे खंभे थे, बड़े खंभे हो गए, लाइट हाई फाई लाइट, ट्रेन लग गई लाइट वाली, रोड बन गए हाईवे, मजा आ गया फिर। मजा आ गया सर, हमारी लाइफ से जिंदगी सुधर गई, जिंदगी सुधर गई। हाँ सर, नहीं तो बड़े बड़े सिटियों में देखते थे इतनी बड़ी क्या करते हैं आप? क्या मैं बैंगलोर पहले काम करता था, अभी रामसर में काम कर रहा हूँ, अब यहाँ आ गए लौट करके, वापस आ गए बैंगलोर। गाँव में यदि काम मिल गया तो क्यों बाहर जाना, बैंगलोर क्यों जाना? बिल्कुल। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम है सर पुरखाराम। पुरखाराम जी, अच्छा पुरखाराम जी क्या क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी की ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करता हूँ, तो अब तो ये सड़कें बनने से मजा आ गया आपको? बहुत तो? अच्छा मजा आ गया, नहीं तो चलने में कोई दिक्कत होता था। अभी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा रोड बन गया है। बस मोदी जी की मेहरबानी है। अच्छा अच्छा, ये मेहरबानी है। ताऊ आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं, हाँ। चलिए जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? दिलीप सिंह राठौड़ नाम है। अच्छा राठौड़ साहब, हाँ जी बोलिए। इसी गांव के हैं? इसी गांव रामसर के। क्या बदल गया आपके यहाँ? बदल गया पूरा जो ये बॉर्डर एरिया है उसमें सबसे अच्छा काम हो रहा है कि बॉर्डर का हर गांव, हर कस्बा और जो ढाणिया तक है उसको भी मुख्य रोड से जोड़ दिया गया है। अच्छा अच्छा। और हर जैसे नर्मदा नहर का प्रोजेक्ट है ये सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ है, जिसके कारण के जो सालों से पेयजल की समस्या थी उसका अब निचोड़ कुछ आया है, और लोगों की जो प्यास थी उसको बुझाने का जो केंद्र सरकार ने अभी काम किया है और सरकार दूसरी राज्य सरकार ने सहयोग किया है, इन सब के कारण एक बोर्ड का इलाका पूरा आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और सभी दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे इलेक्ट्रीफाइड का मामला हो, सब चीज़ें धीरे धीरे अब कुछ दिख रहा है कि हम देश से पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं। आप देश से कटे हुए थे एकदम से? हाँ, क्योंकि बॉर्डर इलाका था, कई विकास के मामले में, कई चीज़ों के मामले में यहाँ से जो विकास एक नाम से कोसों दूर था। आइए कुछ इन लोगों से भी बात कर लेते हैं, इधर आइए। नमस्कार राठौड़ साहब। तो ये क्या कहाँ जा रही है सवारी? सवारी अभी तो बैठने जा रहे हैं कोई। थोड़ा बंद कर लीजिए, पेट्रोल बच जाए, डीजल बच जाए हम लोगों का, है ना, देश का डीजल बच जाएगा तो। आप कहाँ से? हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली, दिल्ली से। थोड़ा सा आपके राज्य में देखने, माहौल देखने आए हैं कि कैसा है। तो ये पगड़ियों का भी कुछ पता चलता है, पगड़ियों से कि पहचान हो जाती है ना, है ना? तो ये आपकी पगड़ी का रंग अलग है, हमारे अलग है, मुसलमानों में अलग है। आप मुसलमान? मुसलमानों, मुसलमानों की पगड़ी अलग है, ये दरबार है, राजपूत है। मतलब ये छोटा पहनावा पहनते हैं, हम बड़ा पहनते हैं। अच्छा अच्छा। हम तो 16 हाथ का पहनते हैं, ये 4-5 हाथ का। अच्छा अच्छा। तो ये आप ड्राइव करते हैं, मतलब क्या काम है आपका? हम काम क्या आपका? हम खेती करते हैं, मेरे फार्म हाउस है आबू माउंट में। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी यहाँ भी तो ये सड़क तो बड़ा मजेदार बन गया आपका, मजा आ गया। मजा आ गया। ये लोग कह रहे थे कि हम लोग देश से कटे हुए थे, अब मोदी जी ने जोड़ दिया देश से। हाँ, मोदी जी ने तो जोड़ा ही है, वो इतनी तो भारत माला भी आ गई, ये भी दोनों जुड़ गए। आप लोग क्या कहते हैं ये जो जुड़े हुए, इतना जो बढ़िया रोड बन गया है, आप लोग हमारी सेविता है। हाँ। बिल्कुल हमारे से आराम है आने जाने का। हाँ हाँ हाँ। रस्ते में आते हैं जाते हैं, गाड़ी भी जाती है तो बहुत आराम है, बहुत आराम है, आराम से जाते हैं। और ये लोग कहते हैं कि आमतौर पे कि तो ये सुविधा मोदी सरकार का आने से सुविधाएं हुई है आप नुकसान नहीं आती है, मोटा लंबा रोड है तो इसलिए ठीक है नहीं। हाँ। सुविधा थोड़ा नुकसान कुछ नहीं है। और बिजली का? बिजली का देखिए तो लाइनें आ गई है आपके पास, लाइनें आ गई इतनी सारी, ये बाजार में
गांव गांव में लगन बारह ढानियों में है, वो ढानियों में बिजली नहीं। सामने पाकिस्तान बॉर्डर है और ये जो मतलब आमतौर पे क्या था कि मुसलमान क्या सोचते हैं, राजस्थान के मुसलमान क्या सोचते हैं मोदी के लिए? राजस्थान के मुसलमान सोचते हैं राजस्थान में रहेंगे, हाँ राजस्थान की वफादारी करेंगे, राजस्थान में रहेंगे। मोदी के लिए क्या सोच है बाहर राजस्थान के मुसलमानों का? मुसलमान राज्य ठीक है, भाजी जब मोदी प्रधान जी हो तो ठीक रहे, हाँ प्रधानमंत्री रहे तो हमारे को ठीक अच्छा लगे। क्यों, क्या डेवलपमेंट क्या इसीलिए? यही है। और आप लोगों को ये सब गैस सिलेंडर सब मिला सबको? कुछ को मिला है, किसी को नहीं मिला है। क्यों, तो घर घर मिला? घर घर मिला नहीं है। और बिजली आप लोगों के गांव में प्रधान साहब पहुंच गया है? बिजली पहुंच गई, बिजली पहुंच गई है, कहीं कहीं दीनदयाल योजना अभी अधूरी है। क्या बोल रहे हैं? दीनदयाल योजना है अभी अधूरी रह गई है, राजनीति के कारण। इस तरफ से जीताइए, इधर से आइए। हाँ बिजली का क्या, बिजली का क्या कह रहे हैं आप? बिजली अभी दीनदयाल योजना थी, अब राज पलटता है तो किसी की पॉलिटिशियन हो जाती है, इसलिए दीनदयाल योजना में पहले तो काफी घर घर पहुंच गई थी, अभी ढाणियां बाकी है, ये इलाका पूरे ढाणियों का ही है। अच्छा अच्छा, हाँ तो बिजली मतलब मगर पहुंच गई है? पहुंच गई है। अच्छा, पहुंच गई चार हाँ जी ढाणियां बाहर से 10-12 ढाणी बाहर खेती में रहता है, उसको लिया जाओ कुछ नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा, चलो इधर भी आओ थोड़ा सा। आप तो लगाए हुए भाजपा का? जी भाजपा का है? जी जी जी। क्या माहौल है यहाँ पर? जबरदस्त माहौल है, 100% भाजपा, और यहाँ से स्वरूप सिंह खारा जीत रहे हैं, हाँ। और यहाँ पे भाजपा ने ही काम किए हैं, हाँ। और अन्य पार्टी का यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है, निर्दलीय यूं ही घूम रहे हैं, उनका कोई यहाँ कोई वर्चस्व नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सड़कें डेवलपमेंट हुआ इसीलिए भाजपा? हाँ सड़कें हुई है, और नर्मदा नहर का पानी घर घर पहुँचाएंगे, मोदी जी का मिशन है, और पीएम आवास के घर घर पहुंच गया यहाँ तक, बॉर्डर तक, बॉर्डर तक लाइनें बिछा दी। अभी कांग्रेस की सरकार ने पैसे खा लिए, हाँ। और पानी घर घर पहुंचा नहीं है, हाँ। अभी हमारे यहाँ स्वरूप सिंह आएंगे, घर घर पानी पहुंचाएंगे, पीएम आवास का लोगों को फायदा दिलवाएंगे, हर हाँ। चीज का काम करेंगे। अच्छा अच्छा, जी जी आ जाओ आ जाओ। कहाँ से आ रहे? बॉर्डर तरफ से। अच्छा अच्छा, ये सड़कें आप ट्रेवल करते हो, गाड़ी चलाते हो रेगुलर ना? अब क्या बदल गया? अब आपको थोड़ा साइड कर लेंगे उधर की तरफ किनारे, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहसन खान। हाँ मोहसन खान। मोहसन खान जी। अच्छा अच्छा, ये इसी रोड में आप गाड़ी चलाते हो? जी। तो ये सड़क जो है अभी नया नया बना है? हाँ जी। तो अब आप तो मजा आ गया, अब तो आप लोगों को बहुत बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। और ये बिजली की लाइनें भी? हाँ हर चीज की सुविधा होगी, हर चीज की सुविधा हो गई जी। कौन सा गाँव बताया खान साहब? गाँव बड़ी खड़े। बड़ी खड़े जी। तो मतलब लोग जो है यहाँ पर मोदी के काम से खुश हैं, इसका मतलब सरकार के काम से? हाँ वो तो सुख है, राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वजह से। अशोक गहलोत जी, लेकिन कांग्रेस सरकार बहुत सुख दिया, बहुत सुख दिया नाम, लेकिन ये तो मोदी सरकार का दिया हुआ है। हाँ, ये तो रोड तो मोदी सरकार का है, तो मजा राजस्थान आपको, आप ड्राइवर हो तो आप तो मजा आता होगा ना रोड पे चलने में? बहुत बहुत मजा, बहुत मजा आता है। आपका नाम? सलीम खान। सलीम खान, इसी रोड पे आप क्या इनके साथ हो या फिर सवारी हो आप? सवारी है। सवारी हो, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ? माहौल ठीक है, माहौल ठीक है। क्या चाची, क्या है, हिंदी बोल, हिंदी आता है? हिंदी आती है? हिंदी नहीं आती? हिंदी समझ तो रहे हो ना? क्या है, महिलाओं के लिए यहाँ सुरक्षा है राजस्थान में, आपके जिले में सुरक्षा है, सब ठीक ठाक है? अब सड़क उड़क बन गया तो बहुत अच्छा रहा ये। अच्छा अच्छा रहा, चलो ठीक है खान साहब। भारत का आखिरी गांव है ये, तो हमने समझने की कोशिश की एक एक लोगों से कि कैसे कुछ बदल गया है देश में, और ये देश का आखिरी छोर है, तो निश्चित रूप से ये सड़कें लोगों को भा रही है, लोग जो सड़ासर ड्राइव कर रहे हैं बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। जैसलमेर पर तो लोग मौज करते थे, जाते थे, अब बाड़मेर बॉर्डर पर भी लोग इसी ढंग से चल फिर रहे हैं, और लोगों को सबसे अधिक आनंद आ रहा है कि सड़क जो है बेहतरीन हो गई है, बिजली की लाइनें शानदार हो गई है। डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जरिया रोड और बिजली ही होता है, इसीलिए यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।